तो चारों श्रिंकेज मैंने मेंशन कर दिए थे, ऑल फोर श्रिंकेजेस वी हैव मेंशनड। श्रिंकेज मेंशन तो कर दिए थे, अब चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि चारों में फर्क क्या होता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑल फोर टाइप ऑफ श्रिंकेज। पहले मैं डिस्कशन कर लूंगा पूरी, फिर उसके बारे में जो भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होंगे वो मेंशन करा दूंगा। आई डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ श्रिंकेजेस, देन वॉट एवर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स विल बी देयर दैट आई विल मेंशन, उसको मेंशन कर दिया जाएगा। तो पहला उठाते हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ श्रिंकेज इज नोन एज प्लास्टिक श्रिंकेज। अब ये क्या है प्लास्टिक श्रिंकेज? जैसा मैं शुरू से डिस्कस करता आ रहा हूँ, जितने टाइम से भी आप पढ़ रहे होंगे, आपको बताइए जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो हम नाम में डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी श्रिंकेज का जो कंसेप्ट है वो प्लास्टिसिटी से लिंक्ड है, इसलिए नाम में डाला हुआ है। अब क्या होता है प्लास्टिक श्रिंकेज? इट्स द टाइप ऑफ श्रिंकेज विच इनिशिएट्स एज सून एज द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड इन द फॉर्मवर्क। ये वो श्रिंकेज है जो तब इनिशिएट हो जाता है जैसे ही हम कॉन्क्रीट को किस में प्लेस कर देते हैं, फॉर्मवर्क में प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब कॉन्क्रीट कौन सी स्टेज में है? इसका मतलब कॉन्क्रीट अभी भी प्लास्टिक स्टेज के अंदर है। तो ये श्रिंकेज कॉन्क्रीट में तब पाई जाती है जब कॉन्क्रीट अभी भी प्लास्टिक स्टेज में यानी फ्रेश है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्लास्टिक श्रिंकेज पड़ा। देयर बाय दिस टेक्निकली टर्म्ड एज प्लास्टिक श्रिंकेज। ये श्रिंकेज क्यों पाई जाती है, कब पाई जाती है? प्लास्टिक स्टेट में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर। तो पानी लॉस हो गया बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, या पानी को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? एग्रीगेटर ने अपने सरफेस के ऊपर, इसलिए हमें ये श्रिंकेज मिलती है। हेंस श्रिंकेज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। इस श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए या तो हम एल्यूमिनियम पाउडर डाल देते हैं या हम इसके अंदर एक्सपेंडिंग सीमेंट डाल देते हैं। आइदर वी टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपेंडिंग सीमेंट। तो कंक्रीट बनाने के लिए या तो उसमें एडमिक्सचर डाल दो एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर, या आप इसके अंदर क्या डाल सकते हो? एक्सपेंडिंग सीमेंट डाल सकते हो। तो ये पहले तरह का श्रिंकेज मिलता है हमें, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। नेक्स्ट ऑफ द श्रिंकेज इज ड्राइंग श्रिंकेज। अब ये ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है? नाम में लिखा हुआ है, जब हमारा कॉन्क्रीट ड्राई हो रहा होता है तब ये श्रिंकेज ऑब्जर्व होती है। और कॉन्क्रीट के ड्राइंग की प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहती है। कॉन्क्रीट के ड्राइंग की प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहती है। सो इट इज एवर लास्टिंग श्रिंकेज। ये एक एवर लास्टिंग प्रोसेस है जो चलता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों होता है? दिस श्रिंकेज इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर विच इज हेल्ड इन द जेल ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स। जो CSA जेल होती है उसमें जो पानी प्रेजेंट है उसके लॉस से हमें ड्राइंग श्रिंकेज मिलती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच इज ऑब्जर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जनरली 12 से 13 सालों तक आपको ये ड्राइंग श्रिंकेज मिलती रहेगी। जितनी फाइन जेल होगी हमारी उतनी ही ज्यादा श्रिंकेज होगी, जितनी कोर्स जेल होगी उतनी ही कम श्रिंकेज मिलेगी। ये श्रिंकेज डिपेंड कर जाती है एग्रीगेट की हार्डनेस के ऊपर। अगर हमारा एग्रीगेट हार्ड हुआ आपको श्रिंकेज मिलेगी कम, अगर हमारा एग्रीगेट कंपैरेटिवली सॉफ्ट हुआ आपको ये श्रिंकेज मिलेगी ज्यादा। ये श्रिंकेज डिपेंड कर जाती है एग्रीगेट के साइज के ऊपर भी, विच इज ऑब्वियस। अगर हमारे एग्रीगेट का साइज क्या हुआ, छोटा हुआ, तो सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, तो श्रिंकेज आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वेपराइजेशन ज्यादा निकल के आएगी। ये श्रिंकेज डिपेंड कर जाती है मेंबर के साइज के ऊपर। अगर मेंबर का साइज छोटा हुआ आपको ये श्रिंकेज क्या मिलेगी? अगर मेंबर का साइज छोटा हुआ आपको ये श्रिंकेज क्या मिलेगी? आपको ये श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी, इट विल कम आउट टू बी मोर। क्लियर चीज? जैसे जैसे कॉन्क्रीट की ग्रेड बढ़ती जाती है ड्राइंग श्रिंकेज की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। तो एज द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट इंक्रीजेस, ज्यादा पानी यूज कर लेता है कॉन्क्रीट अपनी हाइड्रेशन के लिए, तो कम पानी बचता है जेल के अंदर वेपराइज होने के लिए, इसलिए ड्राइंग श्रिंकेज का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो दो तरह की श्रिंकेज मैंने आपको बताई है। प्लास्टिक श्रिंकेज तभी मिलेगी जब कॉन्क्रीट प्लास्टिक स्टेज में है। ड्राइंग श्रिंकेज आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों में से कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो आपको, तो दो तरह की श्रिंकेज आपको बता दिए, इनमें से कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो फिर आगे डिस्कस करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस। हाई ग्रेड लो श्रिंकेज, बिल्कुल सही बात है विजय मौर्य। ग्रेड हाई होगी तो ड्राइंग श्रिंकेज कम मिलेगा, इफ द ग्रेड इज मोर ड्राइंग श्रिंकेज विल बी लेस। चलो तो पहले इसको मेंशन कर देते हैं। सो फर्स्ट वील मेंशन दीज टू पॉइंट, नहीं तो फिर आगे बहुत सारी थ्योरी इकट्ठी हो जाएगी। तो पहले वाली श्रिंकेज को लिखूं कैसे, ए पॉइंट यही बना देते हैं। तो पहले वाली श्रिंकेज प्लास्टिक श्रिंकेज, तो फर्स्ट वाली श्रिंकेज है प्लास्टिक श्रिंकेज, कब मिलती है? तो हमने बोला था दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज इज ऑब्टेन्ड, दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज, सो दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज इनिशिएट्स, या ऑब्टेन्ड कुछ भी बोल सकते हो, दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज इनिशिएट्स एज सून एज कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड
in the formwork. As soon as concrete is placed in the formwork, जैसे ही आपने कंक्रीट को प्लेस किया किसके अंदर, फॉर्मवर्क के अंदर, when concrete is in plastic stage, when concrete is in plastic stage, कब concrete किसके अंदर है, plastic stage के अंदर है, we can say that plastic shrinkage is short term drying shrinkage. बिल्कुल बोल सकते हो प्रवेश तिवारी, absolutely correct. तो plastic shrinkage short term है, drying shrinkage long term है, बिल्कुल सही बात बोली आपने. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये श्रिंकेज हमें क्यों मिलती है, दिस श्रिंकेज इज ऑब्जर्व्ड, इसको मैं ऊपर खिसका रहा हूँ, ऊपर चले जा, दिस श्रिंकेज इज ऑब्जर्व्ड क्यों मिलती है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर, दिस श्रिंकेज इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट्स, ओवर द, अब यहां पर मेरे को दिख जाएगा, अब यहां से लिख सकता हूं, ओवर द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट्स, सरफेस ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है. नेक्स्ट, इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, To avoid this, अब तुम नीचे आ जाओ. To avoid this, दो तरीके बताएं. To avoid this shrinkage, क्या किया जा सकता है? To avoid this shrinkage, either aluminium powder is added, either aluminium powder is used, or expanding cement is used. और एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड, या तो हम एक्सपेंडिंग सीमेंट को यूज कर लेंगे. तो ये हमारी पहली वाली श्रिंकेज है, नोन एज प्लास्टिक श्रिंकेज. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, एनी स्टेप टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. चलो ठीक है, नहीं है कोई डाउट तो. नेक्स्ट है हमारी ड्राइंग श्रिंकेज. So next of the point of discussion is drying shrinkage. पीछे बनाई थी line. तो plastic shrinkage. Next हमारी drying shrinkage. Bleeding in the initial stage reduces plastic shrinkage to some extent. Bleeding in the initial stage. Bleeding अगर हो जाएगी तो पानी कम हो जाएगा, shrinkage आपको कम मिलेगी. If bleeding will take place, so water content will be comparatively less. Plastic shrinkage will come out to be less. पीछे की स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, लो पीछे की स्लाइड एक बार देख लो. हो गया, चले आगे, शैल वी कंटिन्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. ड्राइंग श्रिंकेज के बारे में क्या बताया था, ड्राइंग श्रिंकेज के बारे में बताया था ये कैसी प्रोसेस है, विल से इट इज एवरलास्टिंग प्रोसेस, इट इज एवर लास्टिंग प्रोसेस, ये एक एवर लास्टिंग प्रोसेस है. सो इट इज एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड अकर्स मेनली ड्यू टू द लॉस ऑफ वॉटर हेल्ड इन जेल पोर्स ऑफ द सीमेंट. When concrete is kept in drying condition, जब concrete को आप किस में रखोगे, drying condition के अंदर रखोगे, due to capillary water, due drying shrinkage occurs.
कैपिलरी वाटर की वजह से, लॉस ऑफ कैपिलरी वाटर, नॉट ड्यू टू कैपिलरी वाटर, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ड्राइंग श्रिंकेज अकर्स। तो आप ये बोल सकते हो कैपिलरी एक्शन की वजह से ड्राइंग श्रिंकेज होती है। लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड एडमिक्सचर यूजेस फॉर वर्कबिलिटी ऑल्सो रिड्यूसेस श्रिंकेज। हाँ, पानी कम कर दो, वाटर सीमेंट रेशियो कम होगी तो जो जेल पोर्स में पानी होगा वो कम होगा, पानी का लॉस कम मिलेगा तो श्रिंकेज आपको कम मिलेगी, श्रिंकेज विल कम आउट टू बी लेस। बिल्कुल सही बात है विजय मौर्य, अमन कुमार, कैपिलरी वाटर नहीं होगा, कैपिलरी एक्शन होगा। आपकी बात भी सही है, योर स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तो ड्राइंग श्रिंकेज हो गई। फिर ड्राइंग श्रिंकेज बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। क्या पहला फैक्टर क्या बताया था? द फाइनर इज द जेल, मोर इज द श्रिंकेज। द फाइनर इज द जेल, मोर इज द श्रिंकेज। अगर जेल फाइन है, मोर इज द श्रिंकेज। सो मोर इज ड्राइंग श्रिंकेज। अगर जेल फाइन हुई, श्रिंकेज क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, हार्डर एग्रीगेट्स, हार्डर एग्रीगेट्स लीड्स टू रिड्यूस्ड ड्राइंग श्रिंकेज। अगर एग्रीगेट्स हार्ड होंगे, श्रिंकेज आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। नेक्स्ट, श्रिंकेज रिड्यूसेस, तो श्रिंकेज डिक्रीजेस। अगर मेंबर का साइज बढ़ेगा तो श्रिंकेज क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। श्रिंकेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द मेंबर। श्रिंकेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द मेंबर, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मेंबर, तो ये सारी रीजन खुद बता सकते हो आप। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और लास्ट फैक्टर क्या बताया था मैंने? एग्रीगेट का साइज। तो आप बोल सकते हो कॉन्क्रीट मेड विद स्मॉलर एग्रीगेट्स, कॉन्क्रीट मेड विद स्मॉलर एग्रीगेट्स, स्मॉलर एग्रीगेट्स गिव्स हायर श्रिंकेज, गिव्स हायर श्रिंकेज, ये हमें ज्यादा श्रिंकेज देते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या बताया था? लास्ट पॉइंट बताया था विद इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट, विद इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। अगर कॉन्क्रीट की ग्रेड बढ़ाओगे, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ड्राइंग श्रिंकेज रिड्यूसेस, ड्राइंग श्रिंकेज रिड्यूसेस, ड्राइंग श्रिंकेज रिड्यूस हो जाती है। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, ड्राइंग श्रिंकेज रिड्यूसेस। तो दो तरह की श्रिंकेज हमारी कंप्लीट हो गई, टू टाइप्स ऑफ श्रिंकेज आई हैव कंप्लीटेड। अमन कुमार खत्म हो गया। पोजोलोनिक मटेरियल ऐड करने से श्रिंकेज बढ़ेगा, डिपेंड करेगा पोजोलोनिक मटेरियल कौन सा है। पोजोलोनिक मटेरियल एक चीज नहीं होती है, 10 तरह के पोजोलोना होते हैं, तो जनरल चीज नहीं है पोजोलोना। अगर पोजोलोना पानी कंज्यूम करा रहा है, श्रिंकेज कम हो जाएगी। अगर पोजोलोना पानी रिलीज करा रहा है, श्रिंकेज बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कौन सा पोजोलोना यूज किया आपने। प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट, प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा भाई, क्लियरली लिखा करो, इसमें टाइम वेस्ट होगा अपना ही, इसमें अपना ही टाइम वेस्ट होगा। तो पहला पॉइंट कौन सा पूछ रहे हो? फ्लाई ऐश यूज करोगे, पानी यूज एब्जॉर्ब कर लेगी वो सरफेस से, श्रिंकेज बढ़ा देगी। तो फ्लाई ऐश आपके कॉन्क्रीट में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि फ्लाई ऐश का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, श्रिंकेज बढ़ा देगी। सर साइज वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिपीट कर दीजिए। साइज एक मैंने आपको जेल की बताई है, साइज मैंने आपको एग्रीगेट की बताई है, साइज मैंने आपको मेंबर की बताई है। तीन तीन साइज है। क्लियरली पूरी चीज लिखा करो, तभी समझ में आएगी मेरे को भी। फ्लाई ऐश को नहीं, फ्लाई ऐश को ही ना बोलते पोजोलोनिक मटीरियल। नहीं भैया, बीएमसी का लेक्चर देखो। फ्लाई ऐश एक एग्जाम्पल है पोजोलोनिक मटीरियल का। फ्लाई ऐश, राइस ऐश, सिलिका फ्यूम्स, ये सारे एग्जाम्पल है पोजोलोनिक मटेरियल के। तो सिर्फ फ्लाई ऐश ही नहीं होती, कोल डस्ट, सो ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल। पोजोलोनिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें एसेंशियली सिलिका और एल्यूमिना होती है, एक जनरल टर्म है। तो फ्लाई ऐश इज अ टाइप ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल। मेंबर वाला, मेंबर की साइज छोटी, सरफेस एरिया ज्यादा। तो अगर मेंबर की साइज छोटी होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगी। एग्रीगेट की साइज छोटी हुई, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगी। जेल की साइज छोटी हुई, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगी। वेपराइजेशन विल कम आउट टू बी मोर।
क्लियर है चीज। हार्डर एग्रीगेट्स लीड्स टू रिड्यूस श्रिंकेज, हार्डर एग्रीगेट्स लीड्स टू रिड्यूस श्रिंकेज, हाँ वेपराइजेशन कम करा देता है। तो हार्डर एग्रीगेट्स, जो हार्डर एग्रीगेट्स हैं इनके जो इंडेंटेशन है उसके अंदर पानी इंट्रैप हो जाता है। हार्डर एग्रीगेट्स ये हैं, हार्डर एग्रीगेट्स, दिस इज द हार्ड एग्रीगेट, ये स्मूथ एग्रीगेट है, दिस इज स्मूथ एग्रीगेट। तो यहां से पानी के वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यहां पानी इंट्रैप्ड है, हेयर वाटर इज इंट्रैप्ड बिटवीन द इंडेंटेशंस। तो क्योंकि पानी इंट्रैप्ड है इंडेंटेशंस के बीच में, तो पानी के वेपराइज होने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है। ड्राइंग श्रिंकेज को कम करने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर नहीं काम नहीं करेगा, एयर एंटरिंग एडमिक्सचर है, इनिशियल स्टेजेस में काम कर पाता है, लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। दिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। साइज ऑफ मेंबर हो या साइज ऑफ एग्रीगेट या साइज ऑफ जेल हो, सबके लिए सेम इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ऑल इज सेम, सबका इम्पैक्ट सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले अगली दो श्रिंकेज डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसको मेंशन करा दूंगा। इसके अगली श्रिंकेज है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस श्रिंकेज, ऑटोजेनस श्रिंकेज। तो नेक्स्ट ऑफ द श्रिंकेज इज टेक्निकली टर्म्ड एज ऑटोजेनस श्रिंकेज। अब क्या होती है ऑटोजेनस श्रिंकेज? इट इज द टाइप ऑफ श्रिंकेज विच टेक्स प्लेस वेयर देर इज नो मॉइस्चर मूवमेंट, जिसमें कोई मॉइस्चर मूवमेंट नहीं होती। तो पिछले वाले केसेस में क्या हो रहा था, पानी या तो लॉस हो रहा था या पानी को एब्जॉर्ब कर रहा था एग्रीगेट। पर ऑटोजेनस श्रिंकेज के लिए पानी की कोई मूवमेंट नहीं होती, यानी पानी लॉस नहीं होता, तो फिर कैसे श्रिंकेज मिल जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रेशन। क्योंकि जो आपने बाइंडिंग मटेरियल डाल रखा है कॉन्क्रीट बनाने के लिए, वो पानी को यूज कर लेता है हाइड्रेशन के लिए। क्योंकि पानी यूज हो रहा है हाइड्रेशन के लिए, इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इट विल लीड टू द श्रिंकेज। ये जो हमारी श्रिंकेज होती है बहुत ही माइनर इंपॉर्टेंस की होती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा निकल के आता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है 10^-5। हमारी श्रिंकेज कितनी थी? 3 × 10^-4। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10^-5। तो बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है। तो जो ऑटोजेनस श्रिंकेज होती है इट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, इसको हम प्रैक्टिस में कंसिडर ही नहीं करते। हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस तब आ जाती है जब आप क्या यूज कर रहे हो, मास कॉन्क्रीटिंग यूज कर रहे हो। तो अगर मास कॉन्क्रीटिंग है और अगर श्रिंकेज मिली आपको ऑटोजेनस, तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे सरफेस के ऊपर। ये जो श्रिंकेज होती है हमारी विद इंक्रीज इन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, क्या करती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। तो ड्राइंग श्रिंकेज ग्रेड के बढ़ने के साथ हमारी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। पर ये जो ऑटोजेनस श्रिंकेज है ग्रेड के बढ़ने के साथ, और सेम रीजन है, रीजन इज सेम, अगर हमारी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी? अगर हमारी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी? हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो ज्यादा पानी यूज कर लेगा सीमेंट, तो ऑटोजेनस श्रिंकेज ज्यादा, पर कम पानी बचा वेपराइजेशन के लिए, तो ड्राइंग श्रिंकेज कम। तो अगर ग्रेड ज्यादा है ऑटोजेनस श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी, पर ड्राइंग श्रिंकेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पर ऑटोजेनस श्रिंकेज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? नेक्स्ट है हमारी कार्बोनेशन श्रिंकेज, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या होती है कार्बोनेशन श्रिंकेज, इसको भी समझ लेते हैं। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिएक्ट कर जाता है पानी की प्रेजेंस में विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रेशन। प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रेशन के टाइम पे लाइम क्या होती है? लिबरेट होती है, इसको टेक्निकली बोला जाता है लीचिंग। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कार्बोनेशन। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो वॉल्यूम है वो लाइम के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए होती है श्रिंकेज। तो इसका नाम रख दिया कार्बोनेशन श्रिंकेज। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पानी की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन के साथ, और प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन है हमारा लाइम। तो लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम लाइम के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए हमें क्या मिलती है? श्रिंकेज मिलती है। पर इसके फायदे भी है खूब, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पानी रिलीज हुआ, ये पानी भी पार्टिसिपेट करता है हाइड्रेशन के अंदर, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो कार्बोनेशन श्रिंकेज की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रेसिपिटेट है, सस्पेंडेड सॉलिड है, ये कॉन्क्रीट के वॉइड्स को बंद कर देता है, कॉन्क्रीट के वॉइड्स को बंद कर देता है, परमेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, परमिबिलिटी डिक्रीजेस। पर साथ में क्या होता है? वेट भी बढ़ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट सस्पेंडेड सॉलिड है, वेट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। तो जब कार्बोनेशन श्रिंकेज होती है कंक्रीट का वेट भी बढ़ जाता है। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं,
एडवांटेज भी है, ड्रॉबैक भी है. आपको प्रोसेस पूरी बता दी गई है इसकी, द प्रोसेस इज बीइंग कम्प्लीटली डिस्कस्ड. अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो ऑटोजेनस में या कार्बोनेशन में. परमिबिलिटी लेस, बिल्कुल सही बात है आदिल, एब्सोल्युटली करेक्ट. वो सारे फैक्टर जो वेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं श्रिंकेज को कंट्रोल करेंगे. ऑल दोज फैक्टर्स विच कंट्रोल द वेपोरेशन विल कंट्रोल द श्रिंकेज ऑल्सो. कौन कौन से? विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. तो विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब श्रिंकेज को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये इवेपोरेशन की रेट को कंट्रोल करते हैं. तो शशांक शेखर, आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही पूछा. साइज ऑफ मेंबर होगा या साइज ऑफ एग्रीगेट? बेटा दोनों होंगे, नितिन जोशी, दोनों ही तो लिखे हैं. देखो दोनों चीजें लिखी हुई हैं, साइज ऑफ मेंबर भी लिखा हुआ है और साइज ऑफ एग्रीगेट भी लिखा हुआ है और साइज ऑफ जेल भी लिखा हुआ है. तीन तीन चीजों की साइज लिखी हुई है, एग्रीगेट भी है, मेंबर भी है और जेल भी है. तीनों की साइज मेंशन की हुई और तीनों के लिए इंपैक्ट सेम है. इंपैक्ट ऑफ ऑल थ्री इज सेम. चलो अब मेंशन करा देता हूं उसको. तो पहले पार्ट में क्या लिखी थी? पहले पार्ट में लिखा था ऑटोजेनस श्रिंकेज, ऑटोजेनस श्रिंकेज कैपिटल में लिखा था. चलो कोई बात नहीं, अंडरलाइन कर देते हैं. सर किसका डिटोरेटिंग इम्पैक्ट ज्यादा होता है, वेट ऑफ रेसिपिरेट या परमिबिलिटी का? डिपेंड करेगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया, ये तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा ना उनकी, कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिएक्ट कर रहा है. सो वी कैन से फर्स्ट पॉइंट, इट इज द टाइप ऑफ श्रिंकेज, इट इज द टाइप ऑफ श्रिंकेज, इट इज द टाइप ऑफ श्रिंकेज विच टेक्स प्लेस, इट इज द टाइप ऑफ श्रिंकेज विच टेक्स प्लेस वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर, वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर. नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ वॉटर, वॉटर बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्क्रीट फॉर हाइड्रेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स of concrete for hydration. तो ये हमारी आ गई ऑटोजेनस श्रिंकेज. इट मीन्स कार्बोनेशन, देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर, इंक्रीज इन डेंसिटी थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ बिल्कुल सही बात है रोहित छेदे, कार्बोनेशन श्रिंकेज तो ओवरऑल फायदा ही देगा. ओवरऑल फायदा कैसे डिसाइड कर लिया आपने? ओवरऑल फायदा दे रहा है. वाटर सीमेंट के अलावा श्रिंकेज को कम कैसे कंट्रोल करें? बताया तो था पीछे, एल्यूमिनियम पाउडर यूज करो, एल्यूमिनियम पाउडर यूज करो, एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करो, टेम्परेचर को कंट्रोल करो, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करो. तो पानी के लॉस को रोको, अवॉइड द लॉस ऑफ द वाटर, डू द प्रॉपर क्यूरिंग, क्यूरिंग प्रॉपर करो. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम बोल सकते हैं इट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस. ये माइनर इंपॉर्टेंस की होती है, इट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट, विद इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिस श्रिंकेज इंक्रीजेस, ये श्रिंकेज बढ़ जाती है, दिस श्रिंकेज इंक्रीजेस, दिस श्रिंकेज इंक्रीजेस, दिस श्रिंकेज इंक्रीजेस. It is of order 10 raised to the power minus 5 mm per mm. इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, 10 into 10 raised to power minus 5 mm per mm का होता है. वॉटर सीमेंट रेशियो क्लियर सर, हो गया. तो ये पूरी कहानी हमारी ऑटोजेनस श्रिंकेज की है. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक की कहानी. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे लास्ट वाली श्रिंकेज हमारी, लास्ट वाली श्रिंकेज डी, लास्ट वाली श्रिंकेज है हमारी कार्बोनेशन श्रिंकेज. सो कार्बोनेशन श्रिंकेज,
वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन, रिएक्ट्स विद प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन, रिएक्ट्स विद प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन। प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन का मतलब लाइम, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एंड वाटर। रिएक्शन भी लिख के दे देता हूं आपको, ये लाइम रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना रहा है, CaCO3 के प्रेसिपिटेट बना रहा है और साथ में पानी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वाटर इज गेटिंग रिलीज्ड। अब इसमें हम बोल सकते हैं दिस इज अकंपनीड बाय, दिस इज अकंपनीड बाय इंक्रीज इन वेट ऑफ कॉन्क्रीट, इंक्रीज इन वेट ऑफ कॉन्क्रीट, इंक्रीज इन वेट ऑफ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ परमिबिलिटी, रिडक्शन ऑफ परमिबिलिटी, रिडक्शन ऑफ परमिबिलिटी एंड इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, एंड इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। जरा तीनों का रीजन बता देना क्या है, तीनों का रीजन, इंक्रीज इन वेट किसकी वजह से वेट बढ़ा, ड्यू टू CaCO3, रिडक्शन इन परमिबिलिटी ड्यू टू CaCO3, सो ड्यू टू CaCO3 प्रेसिपिटेट। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ क्यों हुई, ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर, ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर विच पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रेशन प्रोसेस, विच पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रेशन प्रोसेस, जो पार्टिसिपेट करता है हाइड्रेशन प्रोसेस में। अब जाके ड्यूरेबिलिटी खत्म हो, अब जाके पूरी श्रिंकेज खत्म हो गई है, नाउ द इंटायर श्रिंकेज इज फिनिश्ड। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, पानी है तो so the entire shrinkage is being completed. There is some effect on the reinforcement or any type of shrinkage. Reinforcement पानी absorb कर लेता है तो drying shrinkage होती है। Aggregate और reinforcement पानी को अपनी surface के ऊपर absorb कर लेते हैं जिसकी वजह से drying shrinkage निकल के आती है, because of which drying shrinkage is observed. नोट कर लिया सबने, हैज एवरी नोटेड। चलो ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि लीचिंग नहीं होगी, हाँ ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी कम हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज देयर इज नो लीचिंग। सर इफ इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर CO2 सो शुड एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट इट, जरूरी थोड़ी है CO2 पॉल्यूशन लेवल से बढ़े, नॉर्मल CO2 है वो भी रिएक्ट कर जाएगा, और अगर पॉल्यूशन ज्यादा है लेट सपोज कॉन्क्रीट एक्सपोज ही नहीं है टू द एटमॉस्फेयर तब भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं एक पॉइंट बांध नहीं सकते, तो आपने बोला पॉल्यूशन ज्यादा है पर मैंने ये बोला कॉन्क्रीट इज नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो आपने एक पॉइंट को पकड़ा कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मैंने बोला मेरा कॉन्क्रीट एक्सपोज ही नहीं है टू द एटमॉस्फेयर तो पॉल्यूशन ज्यादा से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा केस कॉन्क्रीट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर पर पॉल्यूशन लेवल कम है तब भी आपको कार्बोनेशन श्रिंकेज मिल जाएगी, then also carbonation shrinkage will be observed. तो जब एक फैक्टर बता दिया उसको तो जोड़ दो किसी के साथ भी,
पानी रिलीज होगा तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगी। पानी रिलीज हुआ भैया, वाटर सीमेंट रेशियो में वाटर वो होता है जो हमने ऐड किया है, जो रिलीज हुआ है वो नहीं होता। पानी बना थोड़ी है, पानी वही है जो आपने मिलाया है। तो इस वाटर सीमेंट रेशियो में पानी वो होता है जो हमने मिलाया है। तो कंक्रीट ने पानी कुछ प्रोड्यूस नहीं किया अंदर से, जो आपने पानी मिलाया वही रिलीज हुआ है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ भी मतलब कोई सी भी चीज कहीं पे भी जोड़ देनी है कि पानी रिलीज हुआ तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी। कैन कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट कैन प्रिवेंट श्रिंकेज? बिल्कुल, कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट देते ही हैं श्रिंकेज और एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। पर कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट जो श्रिंकेज और एक्सपेंशन प्रिवेंट करता है वो टेम्परेचर की वजह से होती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा निकल के आता है। इनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, देयर मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। तो अगर कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट दे रखा है इट विल हेल्प प्रिवेंटिंग श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन, बट सिंस इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी लेस कोई इम्पैक्ट मिलेगा ही नहीं इसका। कर रहा है तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है ना सर? हाँ पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिजेक्ट कर रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। वेट ऑफ कॉन्क्रीट सी ए सी ओ थ्री पर डिपेंड करेगी? नहीं, ये किसने बोला कि वेट ऑफ कॉन्क्रीट सी ए सी ओ थ्री पर डिपेंड करेगी? वेट ऑफ कॉन्क्रीट तो डिपेंड करेगी कॉन्क्रीट में जो इंग्रीडियंट्स डाले हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने तो बस ये बोला क्योंकि सी ए सी ओ थ्री बढ़ा, सी ए सी ओ थ्री प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से कॉन्क्रीट का वेट बढ़ गया। मैंने ये तो नहीं बोला कॉन्क्रीट का वेट डिपेंडेंट है सी ए सी ओ थ्री के ऊपर। तो डिपेंडेंट की बात बोलोगे वो डिपेंडेंट है उसके इंग्रीडियंट्स के ऊपर, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। अब क्या होती है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट? एक ड्यूरेबल कॉन्क्रीट वो कॉन्क्रीट होता है विच परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरीली अंडर एंटिसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन फॉर द प्रपोज लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरेबल कॉन्क्रीट वो कॉन्क्रीट होता है जो अच्छी तरह परफॉर्म करे, अच्छी तरह परफॉर्म करे अपना काम। कौन सी कंडीशन के अंदर? एक एंटीसिपेटेड कंडीशन के अंदर, मतलब आपको पहले से पता है कि ये स्ट्रक्चर जहां पर मैं बना रहा हूं वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। जैसे एग्जांपल, मैंने स्ट्रक्चर बनाया सी शोर के पास, तो मुझे पहले से पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इस पे पानी आके टकराएगा और पानी में होंगे एक्सेस ऑफ सॉल्ट। तो हमारी इस कंडीशन के अंदर हमारा कॉन्क्रीट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करना चाहिए। अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर गया इसको मैं ड्यूरेबल कॉन्क्रीट बोल दूंगा। मैंने कॉन्क्रीट बनाया सीवेज को कैरी करने के लिए, यानी सीवर बनाया मैंने, तो मुझे पता है कि इस कॉन्क्रीट के कॉन्टेक्ट में सीवेज होगा, सीवेज के अंदर होती है सल्फेट, तो मेरा कॉन्क्रीट सल्फेट अटैक से बचा हुआ होना चाहिए। तो इट शुड परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी अंडर द एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन। तो पहले से ही हमें पता होता है कि कॉन्क्रीट को जहां पर हम बना रहे हैं वहां पे कैसी एक्सपोजर कंडीशन होनी चाहिए। उस एक्सपोजर कंडीशन के अंदर अगर कॉन्क्रीट ने अच्छी तरह अपनी परफॉर्मेंस दे दी, परफॉर्मेंस मतलब जिस काम के लिए आपने बनाया है वो काम उसने पूरा कर दिया, इस कॉन्क्रीट को हम बोल देते हैं ड्यूरेबल कॉन्क्रीट। ये जो कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी होती है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। जैसे एक फैक्टर तो पीछे आपने बताया था मुझे, परमेबिलिटी। तो एक ने बोला था सर परमेबिलिटी कम हो गई तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो दिस ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन द परमेबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉस्ट सेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन सल्फर अटैक जो भी मैंने बताया, जो सी वाटर में भी होगा, जो सीवेज में भी होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कार्बोनेशन जो भी हम पीछे करके आए हैं, विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। क्लियर चीज? कॉन्क्रीट परफॉर्म्स इंटेंडेड फंक्शन इन द प्रिवेलिंग, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट जय शर्मा, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो बोल सकते हैं अ ड्यूरेबल कॉन्क्रीट, क्या होता है ड्यूरेबल कॉन्क्रीट? अ ड्यूरेबल कॉन्क्रीट इज वन दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरली, दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरली अंडर एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन फॉर इट्स प्रपोज्ड लाइफ अपनी प्रपोज्ड लाइफ के लिए। फ्रॉस्ट सेक्शन एक बार बता देता हूं अभी।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड्स अपॉन, अब किन के ऊपर डिपेंड करती है ये? सो परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. पहला फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन परमिबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन सल्फर अटैक, इट डिपेंड्स अपॉन सल्फर अटैक. नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन कार्बोनेशन, कार्बोनेशन. अब क्या है ये चारों फैक्टर, एक एक करके उठाते हैं. पहला, परमिबिलिटी. अगर कंक्रीट की परमिबिलिटी कम हुई तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा निकल के आएगी. अगर कंक्रीट की परमिबिलिटी कम हुई तो इसमें पानी, इसमें सॉल्ट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम पेनिट्रेट कर पाएगा. तो इसका मतलब कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्शन कम होगी. कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्शन कम होगी, इसका मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी कंपेरेटिवली आपको ज्यादा मिलेगी. इट्स ड्यूरेबिलिटी विल कम आउट टू बी कंपेरेटिवली मोर. नेक्स्ट है फ्रॉस्ट सेक्शन. फ्रॉस्ट सेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रॉस्ट हीव, फ्रॉस्ट बॉइल. अब फ्रॉस्ट हीव, फ्रॉस्ट बॉइल का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट में जो पानी है अगर वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, इफ इट इज कन्वर्टेड इन टू आइस, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है पानी से अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास, तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा क्रैक डेवलप हो जाएंगे, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी. अगर आइस दोबारा कन्वर्ट हो जाए पानी के अंदर, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बॉइल. तो फ्रॉस्ट हीव का मतलब है पानी का आइस में कन्वर्ट होना, फ्रॉस्ट बॉइल का मतलब है आइस का दोबारा पानी में कन्वर्ट होना. तो अगर पानी आइस में कन्वर्ट हुआ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आइस पानी में कन्वर्ट हुई वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो एक्सपेंशन होती है, श्रिंकेज होती है बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट सेक्शन, जिसकी वजह से कॉन्क्रीट में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी डिक्रीजेस. तो जितना ज्यादा फ्रॉस्ट सेक्शन होगा उतनी ही कम ड्यूरेबिलिटी निकल के आएगी हमारे कॉन्क्रीट की. नेक्स्ट है सल्फर अटैक. जब सल्फर अटैक करता है लाइम और एल्यूमिना के ऊपर, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसकी वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 227% ज्यादा होती है. ये मैंने आपको सीमेंट में बता रखा है. दिस आई हैव डिस्कस इन द केस ऑफ द सीमेंट ओनली, जब बीएमसी कराई थी. इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट. इसकी वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 227% है, दुगनी से भी ज्यादा निकल के आती है. तो अगर सल्फर अटैक हुआ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि क्रैक डेवलप हो जाएंगे. नेक्स्ट कार्बोनेशन, तो भी पीछे हम करके ही आए. अगर कार्बोनेशन हुई कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा परमिबिलिटी कम हो जाएगी, परमिबिलिटी कम हो जाएगी तो आपको ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर. तो ये चारों फैक्टर मिलके क्या करते हैं? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं. इन चारों में से कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो. सल्फर रिएक्ट विद बोथ लाइम एंड एल्यूमिना. सल्फर लाइम और एल्यूमिना दोनों से रिएक्ट करता है. तो लाइम एल्यूमिना दोनों से रिएक्ट करती है सल्फर और बनाती है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट. तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इट्स वॉल्यूम इज कंपैरेटिवली वेरी हाई देन दिस. तो इसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम होता है, इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है. ये मैंने बीएमसी में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. दिस आई डिस्कस इन डिटेल इन बीएमसी. क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ. अब हमारा कोड क्या बोलता है? अब हमारा कोड ये बोलता है कि अगर आपको कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करना है, हमारा कोड बोलता है अगर आपको कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करना है तो कंक्रीट की एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करो, आप मिनिमम सीमेंट यूज करो, आप मैक्सिमम वाटर कंटेंट को यूज करो या वाटर सीमेंट रेशियो को यूज करो. वाटर कंटेंट बोल दो, वाटर सीमेंट रेशियो बोल दो, एक ही बात है क्योंकि सीमेंट मेरे पास आ गई है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोड हमारा बोलता है कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एज पर द एक्सपोजर कंडीशन आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करो, आप उसमें मिनिमम सीमेंट इतना तो डालो ही डालो जो वैल्यू में भी बताऊंगा आपको, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो आपको प्रिस्क्राइब करके दे रखिए. अगर आपने वो गाइडलाइन को फुलफिल किया तो आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी. इसका मतलब वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करेगा अपनी एंटिसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन के अंदर फॉर इट्स प्रपोज्ड लाइफ. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ. अब क्या है हमारी एक्सपोजर कंडीशन, क्या है हमारा कंडीशन जो कोड ने दिया हुआ है? वो डायरेक्टली मैं कोड से उठा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखने बैठ गया टाइम बहुत लग जाएगा. तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाँ डायरेक्टली उठाते हैं डॉक्यूमेंट. सो आज क्या तारीख है, टुडे इज व्हाट, आज डेट क्या 25th है ना मेरे ख्याल से, टुडे इज 25th ओनली ना. तो मेरे ख्याल से यही डॉक्यूमेंट है, हाँ यही डॉक्यूमेंट है. ठीक है, अब मैंने कोड ओपन कर दिया आपके सामने.
दिस इज द कोड विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो आईएस 456 है, आईएस 456 है डायरेक्टली आपके सामने मेंशन है, तो डायरेक्टली मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू. चलिए देखिए क्या है. तो ये हमारी एक्सपोजर कंडीशंस हैं, दीज आर अवर एक्सपोजर कंडीशंस व्हिच आर बीइंग मेंशनड इन फ्रंट ऑफ यू. ये एक्सपोजर कंडीशंस पांच कैटेगरी में डिवाइडेड है, ये एक्सपोजर कंडीशंस हमारी पांच कैटेगरी में डिवाइडेड है, दीज आर बीइंग डिवाइडेड इन दी फाइव कैटेगरीज. अब क्या है फाइव कैटेगरीज? माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर एंड एक्सट्रीम. इन सब में आपको एक्सपोजर कंडीशन को उसने डिफाइन करके दे रखा है. सर अगर मैंने कोड के अकॉर्डिंग यूज और स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट आया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर मैंने कोड के अकॉर्डिंग यूज किया और स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट आया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई ना कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा. तो अगर आपने सारी कंडीशन कोड के हिसाब से यूज कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो अगर आपने सारी कंडीशन जो कोड ने बोली है उसको फॉलो किया, कोई इशू नहीं आएगा, वो ड्यूरेबल ही रहेगा. और अगर वो ड्यूरेबल नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर गए हो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है. चलिए हाँ, हम डिस्कस क्या कर रहे थे. दीज आर दी फाइव एक्सपोजर कंडीशंस विच आर बीइंग डिफाइंड एज पर अवर कोड. सारी वैल्यूज मेंशनड है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, एक्सट्रीम. अब सवाल में आपको लिख के दे देगा ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है. तो माइल्ड का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दो सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज. तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन बोल देते हैं. इसका मतलब ये ऐसा कॉन्क्रीट है जिसको आपने प्रोटेक्ट कर रखा है वेदर से और एग्रेसिव कंडीशन से. एग्रेसिव कंडीशन जैसे सी वाटर, एग्रेसिव कंडीशन जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, कोई गैस रिलीज हो रही हो. मॉडरेट कंडीशन क्या है? कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सीवियर रेन ऑफ फ्रीजिंग वाइल्ड वेट. कॉन्क्रीट को आपने शेड लगा रखा है. शेड लगा रखा है मतलब क्या नहीं है? बारिश नहीं होगी, फ्रीज नहीं करेगा, यानी फ्रॉस्ट एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको शेड कर रखा है. इसको हम मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन बोल देंगे. कॉन्क्रीट एक्सपोज टू द कंडेंसेशन एंड रेन. कॉन्क्रीट कंटिन्यूअसली अंडर वाटर. कॉन्क्रीट इन कॉन्टेक्ट और बरीड अंडर नॉन अग्रेसिव सॉइल और ग्राउंड वाटर. इन सारे कॉन्क्रीट को उसने क्या बोला? मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन बोल दिया. नेक्स्ट सिवियर का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट सर्फेस एक्सपोज टू सिवियर रेन, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. इसको हम सीवियर कंडीशन बोल देंगे. कॉन्क्रीट कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, इसको हम क्या बोल देंगे? सीवियर कंडीशन बोल देंगे. फ्रीजिंग एंड थाइंग क्या होती है? इसी वीडियो में अभी 5 मिनट मैंने पहले बताया था, तो अभी वीडियो आपके जैसे ही खत्म होगी क्लास आपको ये अवेलेबल होगा, इसको दोबारा सुनना वीडियो को. अभी 5 मिनट पहले मैंने डिस्कस किया था फ्रीजिंग और थाइंग क्या होती है. वेरी सीवियर कॉन्क्रीट सर्फेस एक्सपोज टू सी वाटर. स्प्रे करोसिव फ्यूम्स जो इंडस्ट्री से रिलीज होंगी. सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन वाइल वेट, इसको हम बोल देंगे वेरी सीवियर कंडीशन. अब ये स्टेटमेंट लिख के देगा आपको सवाल के अंदर. एक्सट्रीम कंडीशन कॉन्क्रीट इन कॉन्टेक्ट विद और बरीड अंडर अग्रेसिव सॉइल. अग्रेसिव सॉइल मतलब जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है. ग्राउंड वाटर. सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन इन टाइडल जोन. आपने कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जो टाइडल जोन के अंदर है, तो सी वेव्स आके टकराती हैं उससे. एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन है. तो ये पांच एक्सपोजर कंडीशन हमारे कोड ने डिफाइन कर रखी है. एज पर योर एक्सपोजर कंडीशन, अगर आपने इन कंडीशंस को फुलफिल कर दिया तो आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी. आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी. अब क्या, अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो मिनिमम सीमेंट कितना यूज करना है ये आपको दे रखा है. अगर माइल्ड एक्सपोजर है मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितनी यूज कर रखी है आपको बता रखी है. अगर माइल्ड एक्सपोजर है मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना यूज करना है ये आपको बता रखा है. किसके लिए? फॉर पीसीसी, फॉर आरसीसी, बोथ पीसीसी आरसीसी दोनों के लिए आपको बता रखा है. तो ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है. तो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, अगर आपने मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को अप्लाई कर दिया, आपका कॉन्क्रीट ड्यूरेबल रहेगा. योर कॉन्क्रीट विल बी ड्यूरेबल. फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन द वॉइड्स एंड थाइंग मींस मेल्टिंग ऑफ दैट आइस बैक टू द वाटर. बिल्कुल सही बात है अच्छे सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रैक्टिकली बताइए ना, स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देके. माइल्ड कंडीशन आपका घर, नॉन अग्रेसिव सॉइल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. नॉन अग्रेसिव सॉइल जिसमें मिनरल्स नहीं होते. नॉन अग्रेसिव सॉइल इज दैट इन विच मिनरल्स आर नॉट प्रेजेंट. एग्रेसिव सॉइल वो सॉइल होते हैं जिसमें सल्फर मिले, जिसमें क्लोराइड मिले, एक्सेस ऑफ सल्फर, एक्सेस ऑफ क्लोराइड. तो माइल्ड कंडीशन, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, आपके घर का कॉन्क्रीट इंटीरियर सरफेस पे. मॉडरेट कंडीशन आपके कॉन्क्रीट घर के बाहर जिसके ऊपर आपने शेड लगा रखी है. शेड लगा रखी है तो बारिश से बचा हुआ है, फ्रीजिंग से बचा हुआ है. सीवियर कंडीशन कॉन्क्रीट एक्सपोज टू सीवियर रेन, आपने कोई शेड नहीं प्रोवाइड कर रखी और ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है. तो घर का ही कॉन्क्रीट
बाहर की तरफ का जिसपे कोई शेड नहीं लगी हुई, वेयर नो शेड इज बीइंग प्रोवाइडेड, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, कॉन्क्रीट सर्फेस एक्सपोज टू सी वाटर, जैसे मरीन स्ट्रक्चर, जैसे आपका डॉक, डॉक और हार्बर, तो हार्बर बनाए जाते हैं कॉन्क्रीट का बनता है हार्बर, हार्बर मतलब जहां पे शिप आके लगती है, शिप की पार्किंग होती है, तो वो कहां है, सी वाटर के अंदर ही है, इट इज इन सी वाटर ओनली, सी वाटर उसके ऊपर स्प्रे हो रही है, तो लिखा हुआ है कॉन्क्रीट सर्फेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, करोसिव फ्यूम, आपका कॉन्क्रीट बना किसी इंडस्ट्री के पास, वो इंडस्ट्री से जो फ्यूम है आपके कॉन्क्रीट के सर्फेस के ऊपर आ रही है, वेरी सिवियर कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन आपने जो मरीन स्ट्रक्चर बनाया है वो कॉन्टेक्टली या कंटिन्यूअसली टाइड्स के कॉन्टेक्ट के अंदर, इट इज इन कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट विद द टाइड्स, इसको हम बोल देते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। तो आखिरी वाले जो तीनों हैं ये आपको डॉक एंड हार्बर मिलेंगे, ये वाले आपको नॉर्मल आरसीसी के स्ट्रक्चर मिलेंगे, दीज आर नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर्स। नोट में क्या है, नोट में कोड पढ़ के देख लो क्या कोड IS-456 है, कोड खोलो आपको लिख जाएगा वहां पे क्या लिखा होगा। ज्यादा हार्श बेटा एक्सट्रीम होगा, देख लो ऑर्डर कैसा लिखा हुआ है, ले जो कॉमन सेंस वाली बात है, माइल्ड बोला, मॉडरेट बोला, सिवियर बोला, वेरी सिवियर बोला, एक्सट्रीम बोला, अब बोल रहे सर ज्यादा हार्श कौन सा होगा, या ज्यादा हार्श तो एक्सट्रीम होगा, फिर इससे कम वेरी सिवियर होगा, फिर इससे कम सिवियर होगा, फिर इससे कम मॉडरेट होगा, इससे कम माइल्ड होगा, अब ये बातें भी बतानी पड़ रही हैं, फिर तो बहुत दूर है मंजिल कि सर ज्यादा हार्श कौन सा है। लिखा तो हुआ है सबके नाम के आगे, कौन ज्यादा हार्श है कौन कम हार्श है, मॉडरेट का विस्ल का मतलब वाइल, जब वेट है, विस्ल का मतलब जब वेट है, करोसिव फ्यूम्स का मतलब गैसेस, नया अमेंडमेंट फॉलो करें, क्यों नया अमेंडमेंट फॉलो करेंगे, जो सबसे पुराना वाला कोड है आज से मेरे ख्याल तकरीबन 25 साल पहले आया था वो यूज करेंगे, अमेंडमेंट क्यों फॉलो करोगे आप भाई, अमेंडमेंट क्यों फॉलो करना है, आज से 25 साल पुराना जो कोड है उसी को फॉलो करो, यूज दैट कोड ओनली, अमेंडमेंट तो यूं ही पता नहीं क्या करता रहता है, अमेंडमेंट करता रहता है बिना मतलब के, हम थोड़ी ना बार बार अमेंडमेंट देखते रहेंगे, उसका काम है आप यूज करो पुराना वाला कोड, क्या दिक्कत है इसके अंदर। चलिए सो वी आर डन विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर ड्यूरेबिलिटी, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ड्यूरेबिलिटी के वो सारे कंप्लीट कर लिए हमने, वो जो कवर को कम करते हैं उसका भी बता दीजिए, तो बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी तभी बताऊंगा ना, नया वाला कोड कब यूज करना स्टार्ट करेंगे, जब एक दो बार सिलेक्शन नहीं होगा या जब एक दो बार नंबर कट जाएंगे पेपर में उसके बाद यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो जब पेपर में सवाल आएगा, सवाल आने के बाद एक या दो सवालों में नेगेटिव नंबर आएंगे हमारे, उसके बाद फिर हम नया कोड यूज करेंगे, देन विल बी यूजिंग न्यू कोड, उससे पहले हम पुराना कोड ही यूज करेंगे, प्रायर टू दैट विल बी यूजिंग ओल्ड कोड ओनली। असिस्टेंट मैनेजर इरकॉन जी गॉट एडमिटेड इन आईएमबी पीजीएम में, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, स्कैरी हैरी। चलिए सो कल डिस्कस करते हैं बचा हुआ, अब विल डिस्कस इट टुमारो, और कल आपकी मेंस क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग द मेंस क्लास ऑल्सो। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।